क्या केदारनाथ में अब मामला श्रद्धा का नहीं, सेल्फी का है? क्या केदारनाथ यात्रा अब पूजा नहीं, पोस्ट के लिए होती है? अब केदारनाथ में लोगों को दर्शन नहीं, पर्यटन करना है? क्यों उठी केदारनाथ में मोबाइल फोन बैन करने की मांग? जितने भी लोग ये केदारनाथ जा रहे हैं ना ऊपर, विश्वास मानिए इन सब के फोन अगर नीचे ही रखवा लिए जाए ना, तो 70% क्राउड केदारनाथ का वैसे ही खत्म हो जाएगा। इन सवालों के पीछे दो सबसे बड़ी वजह। पहली, ये वीडियो जिसमें एक महिला केदारनाथ मंदिर के सामने अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए घुटनों पर बैठ जाती है और इस पूरी घटना का वीडियो बनाया जाता है। वीडियो के वायरल होने के बाद कोई केदारनाथ में स्मार्टफोन बैन करने की मांग उठा रहा है, तो कुछ लोग इसे नौटंकी बताकर तरह तरह के सवाल दाग रहे हैं। इतना ही नहीं, पिछले कुछ दिनों में केदारनाथ में वीडियो और सेल्फी वाले वीडियोस की बाढ़ आई हुई है। कहा जा रहा है कि क्या केदारनाथ कोई पिकनिक स्पॉट है? लोगों में बहुत गुस्सा है, वजह भी समझिए। सिर्फ इंस्टाग्राम पर केदारनाथ पर अब तक 1 करोड़ से ज्यादा पोस्ट किए गए हैं। इसमें हैशटैग केदारनाथ पर 63 लाख से ज्यादा पोस्ट हैं। 7,35,000 पोस्ट हैशटैग केदारनाथ धाम पर किए गए हैं। 16 लाख पोस्ट हैशटैग केदारनाथ टेम्पल पर हैं, जबकि 87,000 पोस्ट हैशटैग केदारनाथ पर किए गए हैं। सवाल है कि क्या अब सेल्फी वाला प्रेम श्रद्धा पर भारी पड़ने लगा है? केदारनाथ में जैसे श्रद्धालुओं का सैलाब आया है, क्या वो सिर्फ पोस्ट और पर्यटन के लिए है? आंकड़े देखिए। साल 2012 में केदारनाथ जाने वालों की संख्या 5,49,000 थी, जो साल 2018 में 7,32,000 तक पहुंच गई। लेकिन साल 2022 में केदारनाथ में 15,63,000 लोगों ने दर्शन किए, यानी 2018 की तुलना में 2 गुने से भी ज्यादा। जबकि इस साल यानी 2023 में अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग केदारनाथ जा चुके हैं, यानी 2022 का रिकॉर्ड भी टूटने वाला है। कहने वाले कह रहे हैं, जिन लोगों में इतनी भक्ति जाग रही है, जरा उनके स्मार्टफोन रखवा लो, फिर देखेंगे केदारनाथ कौन जाता है। जितने भी लोग ये केदारनाथ जा रहे हैं ना ऊपर, विश्वास मानिए इन सब के फोन अगर नीचे ही रखवा लिए जाए ना, तो 70% क्राउड केदारनाथ का वैसे ही खत्म हो जाएगा। जिस तरह श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, उससे मुनाफा कमाने वालों पर भी नोटों का छप्पर फट गया है। साल 2022 में केदारनाथ में आए श्रद्धालुओं के सैलाब की वजह से हेलीकॉप्टर संचालकों ने 75 करोड़ रुपए की कमाई की और अब तक 56 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। साल 2022 में घोड़ा संचालकों की कमाई 101 करोड़ रुपए थी, जबकि 2023 में अब तक वो 80 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। यानी सवाल ये भी, क्या श्रद्धा सुविधा पर भारी है? क्या केदारनाथ में इस तरह के वीडियो बनाना सही है? इस पर हो रहा विमर्श सामाजिक चिंगारियां पैदा कर रहा है, लेकिन आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।